नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और इस समय सुबह के बज रहे हैं 8। रामा सुभाष अपने वॉकर में खेल रहे हैं। सुभाष की मालिश मैंने कर दी है और मैंने सोचा कि जन्माष्टमी है तो इसका जो मैंने लाइक कृष्णा वाला ड्रेस वही पहनाती हूँ। मालिश करके वो मैंने पहना दी शिवाग को। उसके बाद ये इतना रोया। बाप रे बाप, बिल्कुल मैंने पूरी ड्रेस इसकी उतार के बस बनियाएं पहना के रखी हुई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी। और रामार की तो मालिश मैंने नहीं करी है। अभी ये ऐसे ही खेल रहा है, इसकी भी मालिश मैं करूँगी। मैंने सोचा पहले कपड़े लगा देती हूँ, क्योंकि उस दिन हम लोग इतने जल्दीबाजी में गए थे कि कपड़े कुछ भी धुले नहीं थे। और कल आए भी हैं जल्दीबाजी में तो ढेर सारे कपड़े हो गए थे। तो मैंने सोचा पहले मशीन लगाऊंगी, फिर लोगों का ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो अभी मुझे इनकी मालिश भी करनी है। रामा की बड़े खुश होकर खेल रहे हैं, तो मैं सोच रही थोड़ी देर खेल लेते हैं। अभी ये उठे ही हैं थोड़ी देर पहले, आधे घंटे बाद करती हूँ मालिश उठने के बाद में। और शिवार तो कब के उठे हैं, जब हम सो थे तब से उठे हुए हैं। ये खेल रहे थे, उसके बाद दूध पिए, फिर रोने लगे, तो मुझे लगा अब सो जाएंगे। तो मैंने वो मालिश कर दी, फटाफट से ड्रेस चेंज कर दिया। उसके बाद ये इतना रोए कि ड्रेस निकाल उसके बाद अरे ही ये मेरे पैर में आके मार रहे अपने वॉकर से और हंस रहे हैं। तो उसके बाद मैंने निकाल दिए। अब ये इनकी नींद भी उठ चुकी है, अब मुझे लग रहा नहीं सोएंगे अभी तो ये खेल रहे हैं। मैं एक बार बच्चों को दिखा देती हूँ आपको। एक दो बार मैंने लगा था मुझे कि ये करा हुआ पीछे से मैंने देखा था, लेकिन आज इनकी चोरी पकड़ी गई। ये एलोवेरा का प्लांट है और ये आके मुंह में डालेंगे, तोड़ेंगे, नोचेंगे, और हम लोग को लग रहा था कि ये लाडो कर रही है। देख रहे हो आप? ए रामाज, ये क्या कर रहे हो लल्ला? ये क्या कर रहे हो लल्ला? इधर आओ, ये क्या किए हो? प्लांट नोच रामाज, ये रामार्थ, ये कहा कर रहे हो बेटा? खा रहे हो? गंदा गंदा चीज है, मेरे को हटा दो, नहीं तो ये देखिए ये भी आ गए। अब बस बाथरूम खुलने की देरी थी, वरना शिवार तो बाथरूम में चले भी गए होते। इनको पता नहीं क्या मजा आता है इसमें घुस जाने में, इसलिए मैंने दरवाजा बंद करके रखा है। और ये देखिए, बड़े मुश्किल से मैंने इन लोगों को तैयार किया है। कृष्णा ये ड्रेस पहना दी है, रामार सिवार दोनों की, और इनको बैठा के इनका फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रही थी मैं, लेकिन अभी बैठ नहीं पाते हैं ये खुद से। देखिए कान्हा, 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 ये लो मुरली लो अपनी। ओ कान्हा अब तो मुरली की, ओ काए रमार, ओ मेरो छोटो सो मदन गोपाल, काम करे बड़े बड़े। बज रहे हैं 10:30 और काफी टाइम हो गया, काम कुछ भी नहीं हुआ है। वही सारे कपड़े मैंने धोए थे, जो वो ढेर सारे कपड़े ही धुले हैं बस सुबह से। और नाश्ता बनाया, सारे लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया है, कुछ लोगों ने खाया है, कुछ लोगों ने नहीं खाया है। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के पूजा उजा करके फिर मुझे जाना है, थोड़ा सा मार्केट कुछ काम है, तो मैं वहाँ पे भी जाऊँगी और आपको भी लेके चलूँगी। तो अभी दोनों बच्चे खेल रहे हैं और मैंने सोचा था कुछ और भी चीज़ें लेने के लिए, डेकोरेशन करूँगी, ये करूँगी करूँगी, लेकिन इन लोगों के साथ ये है कि रामा आ रहे हैं। सुबह सिवा इतना रोया था, इतना रोया था कि मुझे लगा जैसे अगर मौका मिला कर देते हैं, फिर अगर बाद में फिर तो हो पाएगा अच्छे से तो होगा, नहीं तो फिर होगा नहीं। ये लोग के साथ सारा कुछ होना मुश्किल है, इनको हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं ना। ये लोग बस अपने ही हिसाब से करवाएंगे सब कुछ। इस समय टाइम हो रहा है 2 बजे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं?
क्या करे बेटा? सूप घास साफ कर रहे हो? हाँ इतना सारा। और कब तक ये होगा? ये अभी बहुत समय लगेगा। चलो अब धूप आ गया, चलो मजा आ रहा क्या जी? हाँ। इसको देखो एक बंदर जैसा किसा पूरा मिट्टी पोत के घूम रही है। कमरे की लाइट मैंने बंद कर दी है दोनों, और बच्चे सो रहे हैं। 2 बज रहा है इसमें, वो दोनों लोग बाहर देखे आप किस तरह से मस्ती कर रहे हैं। तो वो लोग तो अभी जल्दी आएंगे नहीं, अभी थोड़ी देर बाद ही वो आएंगे। तो वो लोग भी आएंगे तो हाथ पर धो के सोएंगे। खाना वाना सब ने खा लिया, उन लोग ने भी खा लिया है, और इनके पापा जा चुके हैं साइड पे खाना वाना खा के। तो मतलब लंच सबका हो चुका है, जो घर पे वो आराम करेगा, जो बाहर अभी तो काम कर ही रहा है। और इनको फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 5, और ये देखिए, और ये देखिए शिवार्थ की मालिश हो गई है, और ये दूध पी रहे हैं। रामार्थ की भी मालिश हो गई थी लेकिन उन्हें पूरे कपड़े पे अपने दूध गिरा लिया था। अब ये लोग मुझे लग रहा है कि दांत निकल रहे हैं, क्यों ये बॉटल के नेप्पल खींचते हैं और पूरा ही नेप्पल खींच लेते हैं, उसके बाद पूरा दूध गिर जाता है ऊपर। तो वैसे उसका भी गिर गया, तो अभी मैं उसका कपड़ा चेंज करके आई हूँ। और अब मैं वैसे टाइम तो भी बहुत है, लेकिन मैं अभी सो के उठी हूँ, फ्रेश फील कर रही हूँ, और बच्चे भी अभी ठीक है, रो नहीं रहे। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से जाके पहले खाना बना लूँ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। नहीं तो ये सब रोने लगते हैं तो कुछ काम समझ नहीं आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पूरा किचन क्लीन हो चुका है, बर्तन वगैरह मैंने धुल दिए हैं। फ्रेंड्स रात के बज रहे थे और शायद आप देख पा रहे हैं मुझे, बहुत लग गया। कमरे की पूरी लाइट बंद है और ये सो गए थे। अब 2 बजे से ही उठ गए हैं और बिल्कुल लग रहा है सुबह हुई है। कब से खेल रहे हैं, रमार उठा रहे बार बार, देखिए कैसे आ रहे कैमरा देख के, देख रहे हो आप क्या? जैसे ही मैं सोच रही थी कि मैं सोऊंगी, ये उठ गए हैं और उठ के अपना नौटंकी दिखा रहे हैं, उसको भी जगा दे रहे हैं। सो गर्ल्स अब देखते हैं मैं ये कब उठते हैं। अब इनको तो छोड़ के मैं सो भी नहीं सकती, वरना ये पता चला कि नीचे गिर जाएंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करूंगी, मिलूंगी आपसे कुछ घंटे बाद सुबह। कोशिश करते हैं ये सुबह जाए। तब तक के लिए शिवार प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ ट्विंस बेबी मॉम इन वाराणसी।